नमस्कार दोस्तों, सोर्स आर एन जी एस में आपका स्वागत है। आज मैं सीआईएसएफ फायरमैन से रिलेटेड जितने भी आपके कमेंट्स हैं, मैं टोटल कमेंट्स का मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, मैं आपको शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया बता दूंगा। दोस्तों, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कितना क्या छूट मिलेगा, मैं टोटल आपको बताऊंगा। दोस्तों, बस आप वीडियो को अंतिम तक बने रहिए, मैं आपको टोटल चेंज बताऊंगा। दोस्तों, शुरू में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि फॉर्म डेट इसका जो कब से स्टार्ट हुआ था और कब तक ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको दूसरी बात कि मैं इसमें आपको फीस की बात बताऊंगा। दोस्तों, इसमें फीस किसको लगेगा, किसको नहीं लगेगा। दोस्तों, तीसरी बात है दोस्तों कि मैं आपको फिजिकल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कितना फिजिकल में कितना दौड़ होगा, कितना टाइम मिलेगा, हाइट कितना लगेगा, चेस्ट कितना लगेगा, वेट कितना लगेगा, ये मैं बताऊंगा। दोस्तों, चौथी बात मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि इसको जन्म जो है आपका जन्म तिथि कितना से कितना तक ले रहा है, मतलब एज कितना से कितना तक ले रहा है। 18 से 23 साल तो ये दोस्तों प्रॉपरली सबको जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जन्म तिथि इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। चौथी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि छूट आपको कितनी मिलेगी, छूट आपको कितने मिलेगी, मतलब किस किन लोगों को छूट मिलेगी, जनरल को, ओबीसी, एससी, एसटी, मैं टोटल आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा। दोस्तों, टोटल चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, मैं आपकी समस्या सोल्व करने का 100% वादा करता हूँ। दोस्तों, फिर लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा दोस्तों कि कौन सी कैटेगरी का कितना सीट है, जनरल के कितना सीट है, ओबीसी की कितना सीट है, एससी की कितना सीट है, एसटी की कितना सीट है, टोटल के बारे में मैं आज फुल जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, तो चलिए पहला सब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला दोस्तों फॉर्म डेट का, दोस्तों कि फॉर्म डॉट डेट कब से कब स्टार्ट हुआ। दोस्तों, तो दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन का फॉर्म डेट फिलअप होने के लिए 29/1/2022, 29/1/2022 से लेकर 4/3/2022 तक इसका लास्ट डेट है। दोस्तों, मतलब ये हाल फिलहाल में बस अब 2 दिन में खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, 29 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, और ये 4 मार्च को खत्म हो जाएगा। दोस्तों, 4 मार्च को आप शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको पेमेंट किस तरह से करना है, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, आप इसके रूप में आप कर सकते हैं, चालान से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कि फीस किसकी लगेगी। तो जनरल और ओबीसी के जो लोग हैं, जो जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, उनको मात्र 100 रुपये लगेंगे। बाकी एससी एसटी है जो दोस्तों, उनको फीस नहीं लगेगी। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों फिजिकल के बताते हैं आपको कि फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें आपको 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत काफी टाइम है दोस्तों, 24 मिनट 5 किलोमीटर में। हाइट की बात कर ले दोस्तों प्रॉपर, तो हाइट आपको 1.70 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। चेस्ट आपको दोस्तों चाहिए 80 सेंटीमीटर, नॉर्मल 80 सेंटीमीटर। बाकी इसको फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए दोस्तों, मतलब कि 85 सेंटीमीटर को होना चाहिए। अब बता देते हैं दोस्तों आपको कि जन्म जन्म प्रमाण मेन चीज होता है दोस्तों, कि जन्म तिथि, कि आपका जन्म तिथि कितना से कितना होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करते समय सबसे बड़ा चीज इसी चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमारा जन्म तिथि का डेट बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जन्म तिथि कि आपको कोई भी कैटेगरी को हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी को भी आपको फॉर्म फिलअप करने में एज 18 तो कम से कम चाहिए दोस्तों, उसके बाद मैक्सिमम 23 साल, मैक्सिमम 23 साल, इसके बाद भी आपको छूट मिलेगी। दोस्तों, छूट किनको मिलेगी दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी वालों को, एससी कैटेगरी वाले को और एसटी कैटेगरी वाले को। दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले को नहीं छूट मिलेगी, जो जनरल कैटेगरी में है दोस्तों उनको 18 से 23 साल के बीच में ही एज होनी चाहिए। और बात करते हो ओबीसी के दोस्तों, तो ओबीसी में दोस्तों आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 18 से 23 ले रहा है दोस्तों, तो आपको 23 से भी ऊपर एभव एज हो रहा है, जैसे 26 साल, 18 3 23, अब 23 और 3 26, तो 26 साल के अंदर आपका एज हो रहा है दोस्तों, फिर भी ओबीसी कैटेगरी वाला फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। एसटी वाला का भी सेम है दोस्तों, एसटी वालों को दोस्तों 5 साल की छूट मिलती है दोस्तों, 18 से 23 जो नॉर्मल होती है दोस्तों, और उसके बाद में आप एसटी कैटेगरी हो तो 5 साल और, तो कितना हो गया, 23 और 5 28 साल। यानी कि एसटी कैटेगरी वालों को 18 से 28 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर
कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसमें जन्म प्रमाण पत्र की बात दोस्तों, कि जिन किन कौन लोग जिनका अभी भी 18 से कम है वो अगर फॉर्म फिलअप करते तो उनको नहीं होगा। आपको जन्म तिथि दोस्त होना चाहिए 5/3/1999 से लेकर 4/3/2004 तक, इतना के बीच में आपको 18 से 23 होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको जन्म तिथि 5/3/1999 से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं दोस्तों। 5/3/1999 के बाद आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है और लास्ट 4/3/2004 तक, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। एक कौन भर सकते हैं दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी वाले दोस्तों। बाकी इनके बाद में भी जिनका एज ज्यादा हो रहा है तो ओबीसी को 3 साल इसमें छूट मिल जाएगा दोस्तों, एसटी को आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा दोस्तों। बात करते हैं हम कि सबसे पहले फॉर्म फिलअप होने के बाद में किस चीज का कॉल आएगा, फर्स्ट चीज में किस चीज का कॉल आएगा, तो सबसे बड़ा दोस्त सबसे पहला चीज आएगा फिजिकल का दोस्तों। आपको फिजिकल को 100% रेडी करके रखना दोस्तों, फॉर्म डाल दिया, आप फिजिकल पे भी ध्यान दो और पढ़ाई पे भी ध्यान दो दोस्तों। आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ऐसे एसएफ से रिलेटेड जीके जीएस लाता रहता हूँ, आप देख लेना दोस्तों, आप इस पे बने रहिए। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको दौड़ना भी है और रिटर्न का भी तैयारी घर पे करना है दोस्तों, और फिजिकल पे ज़्यादा भी ध्यान देना है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप में आपका फिजिकल होगा, जो मैं आपको बता दिया दोस्तों कि 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना है। चेस्ट आपको 80 चाहिए दोस्तों, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए, और हाइट आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। सेकेंड स्टेप में जब दोस्तों आप रिटर्न पास कर जाते हैं, फिजिकल पास कर जाते हो, तो आपको रिटर्न के लिए कॉल आएगा दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में आपने फिजिकल पास किया तो आपको सेकेंड स्टेप में रिटर्न के लिए बुलाएगा दोस्तों। रिटर्न में आना, रिटर्न में दोस्तों जीके जीएस नॉर्मल बता देता हूँ, जीके जीएस दोस्तों 25 नंबर के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे दोस्तों, मैथ रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के दोस्तों, और इंग्लिश या हिंदी वो आपके ऊपर च्वाइस है दोस्तों कि आप इंग्लिश में टच करोगे या हिंदी में टच करोगे, वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों 25 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और ये 100 क्वेश्चन को आपको इसके बारे में टाइम आपको जो मिलेगा दोस्तों वो 120 मिनट टाइम मिलेगा दोस्तों, 120 मिनट दोस्तों आप जोड़ लो, 120 मिनट काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों, 1.5 घंटे बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन के लिए। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, आराम से मार सकते हो। फिर उसके बाद में दोस्तों आप जब एग्जाम दे दो तो एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको थर्ड स्टेप में मेडिकल के लिए बुलाएगा दोस्तों। मेडिकल आपको सिर्फ 1 में होना चाहिए दोस्तों, आग 6/6 होना चाहिए, हाथ पैर सही सलामत हो, और फोर्थ स्टेप में आपका मेरिट लगे, और मेरिट लगने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा दोस्तों। ये सीआईएसएफ फायरमैन की शुरू से अंत तक की लास्ट प्रक्रिया थी दोस्तों, जो मैं आपको कंप्लीट बता दिया। उसके बाद में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पक्का मैसेज कीजिएगा दोस्तों, और हमें बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई पक्का दूंगा 100% दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना दोस्तों, और दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलना दोस्तों, ताकि आपके दोस्त को भी इस बारे में पता चल जाए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।